नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका शुभचिंतक संदीप मिश्राम, फाउंडर एंड सीओ आरएस अग्रतार एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मेरा एजुकेशन जो हुआ है कृषि के क्षेत्र में हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एमबीए तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर के रूप में मुझे पहचाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक फल के बारे में जिसे सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट की। दोस्तों, यह फ्रूट बहुत ही फायदेमंद है और इसका भविष्य भी अच्छा है। आपको बता दूँ, यह फल थाईलैंड, वियतनाम, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे भारत में 95% इम्पोर्ट हो रहा है दोस्तों, और हमारे भारत में इसका उत्पादन हम अच्छे लेवल पर कमर्शली कर सकते हैं। यह एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है। इसका साइंटिफिक नाम है सेलेनिसेरस एंडेडस। दोस्तों, यह ड्रैगन फ्रूट के सिर्फ चार वेरायटी होती है, जिसमें तीन वेरायटी ऐसी होती है जिसमें ऊपर का छिलका गुलाबी होता है और एक का फ्लेश सफ़ेद, तो दूसरे का फ्लेश रेड और तीसरे का बैगनी होता है, और एक वेरायटी का छिलका पीला होता है और अंदर से सफ़ेद होता है। दोस्तों, बाकी रेड वेरायटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक वेरायटी आती है जिसमें फल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, भविष्य में इस फल को प्रोसेसिंग के तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, क्योंकि इस फल से आइसक्रीम बनाई जा सकती है जो बहुत ही टेस्टी होती है। जाम, जेली, जूस, बियर, वाइन भी बना सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसकी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, जैसे फेस पैक हो गया, सनस्क्रीन हो गई, इसके बहुत ही फेमस और प्रभावशाली रिजल्ट है। दोस्तों, यह फ्रूट काफ़ी महंगा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस फल के खाने में फायदे बहुत ज़्यादा है। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और भरपूर फाइबर पाया जाता है। डायबिटीज, हार्ट और कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने में यह फल आपकी मदद करता है। ड्रैगन फ्रूट में लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन होता है, जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, आंखों के लिए फायदेमंद है, डाइजेशन और मेटाबोलिज्म में फायदेमंद है, और खास करके इस कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और इस फ्रूट के अंदर यदि मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, थायमिन में जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइकोपिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड में, और ओमेगा 6 इस के अंदर पाया जाता है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि इसके आप फायदे जान सको। यदि मैं इस फ्रूट के टेस्ट के बारे में बात करूँ कि अरे सच में खाने में कैसा लगता है, बहुत से किसान भाई पूछते हैं, तो बता दूँ ये थोड़ा ऑस्ट्रेलियन कीवी जैसा टेस्ट आता है यदि हम लोग वाइट वाला फ्रूट खाते हैं तो। लेकिन यदि हम लोग उसमें जो जो लाल गुदा होता है, मीन्स लाल फ्लेश होता है, यानी ऊपर से भी लाल रहेगा, नीचे से भी, अंदर से भी लाल रहता है, वो टेस्ट में बहुत मज़ेदार है। बहुत मीठा टेस्ट है उसका, इसलिए भारत में लाल फ्लेश वाले फल की डिमांड ज़्यादा रहती है, क्योंकि मिठास में बहुत ही अच्छा लाल पाया गया है। और यदि मैं वैरायटी की बात करूं तो देखो, मार्केट में अनेक प्रकार की वैरायटी है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे रेड जंबो वैरायटी और सी वैरायटी, क्योंकि इन वैरायटी का उत्पादन देखे तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ तक आता है यदि सही मैनेजमेंट करे तो। कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, यानी टिकवन क्षमता ज़्यादा है। 1 से 1.5 साल में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। टेस्ट मीठा है, टेम्परेचर भी एडजस्ट करता है। अभी बात करते हैं इसके कल्टीवेशन की। दोस्तों, इस फल को लगाने के लिए अनेक पद्धति काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि पोल सिस्टम हो गया, ट्रेली सिस्टम हो गई। यदि हम पोल सिस्टम की बात करें तो एक पोल पर 4 पौधों की आवश्यकता होती है। यह पोल सीमेंट कॉन्क्रीट का होता है। पोल के ऊपरी हिस्से में सीमेंट कॉन्क्रीट का रिंग की आवश्यकता होती है ताकि इस फल को ब्रांचेस फैला सके। यदि मैं मार्केट की बात करूं दोस्तों, इस फल को हमारे भारत में काफ़ी पसंद मिल रही है। फिलहाल इस फल को खाने वाले बड़े बड़े महासागरों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कलकत्ता इत्यादि। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों की इस फल के बारे में अवेयरनेस हो रहा है और छोटे छोटे शहरों में भी यह फल मिल रहा है। ये बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि मैं ड्रैगन फ्रूट को 1 एकड़ में लगाना है तो हमें ज़मीन ऐसी चुनना है जिसमें पानी जमा नहीं रहता है, जिसकी हल्की ज़मीन चुनेंगे तो अच्छा है। हम अंतर की बात करें तो 10 बाय 6 फीट की दूरी पर पोल लगाना चाहिए, 10 बाय 10 फीट लाइन टू लाइन और 6 फीट पोल टू पोल, जिसमें हमें 700 पोल के करीब की आवश्यकता होगी। और 4 पौधे 1 पोल में लगाएंगे तो 28 पौधे हमें लगेंगे। ठीक है,
दोस्तों हमारे भारत में तापमान काफ़ी अधिक होता है, कुछ राज्यों में 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है और इस फ्रूट की खेती को 25 से 40 डिग्री तापमान उचित माना जाता है। फिर भी हमारे भारत में कुछ सावधानी बरते तो 100% सफल खेती की जा सकती है। इस फल को मई जून में फ्लावर आते हैं। हमारे भारत में फूल आने के बाद अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमें फल मिलते हैं। दोस्तों यदि मैं उत्पादन की बात करूँ, प्रति एकड़ से तो पहले उत्पादन में कुछ खास उत्पादन नहीं मिलता। 18 महीने के बाद आधा ने 500 से 1000 किलो आता है, उसके बाद 2000 से 3000 किलो तक हमें उत्पादन मिलता है। और जैसे ही पौधा पूरी तरह मैच्योर होता है यानी 4 से 5 साल के बाद 8 से 10 टन के ऊपर उत्पादन मिल सकता है दोस्तों। और यह बगीचा हमें 20 साल के ऊपर फल देता है दोस्तों। और हमने इसका लगाने वाला खर्चा कैलकुलेट किया तो पता चला कि 5 से 7 लाख रुपए अंदाजे खर्चा आता है। जैसे कि आप देख रहे हो, पोल यदि लगाते हैं तो 2 से 2.25 लाख के आएंगे, व्हील 1 लाख से 1.5 लाख के आएंगे, ड्रिप इरीगेशन 60,000 तक, जमीन बनाना, लेबर, फर्टिलाइजर 50,000, अच्छे क्वालिटी के पौधे यदि ट्रांसपोर्टिंग से देखें तो 2 से 2.25 लाख रुपये खर्च आता है, यानी 6 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये के बीच ये खर्चा आता है। और ये कम ज़्यादा हो सकता है। यदि हम चार्ट में देख रहे हैं, यह इसका अप्रोक्सीमेटली इनकम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले साल हमें एक से लेकर दो टन उत्पादन मिला, हमें 80 रुपये का भी भाव मिलता है तो हमें 1 से 1.5 लाख रुपये पहले ही उत्पादन में निकल जाता है। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता है और हमें 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपये का उत्पादन हो सकता है दोस्तों। और मेरा तो पर्सनली ओपिनियन है, भारत में अभी ड्रैगन फ्रूट काफ़ी मात्रा में लगा रहे हैं। गुजरात में हमारे वहाँ के सीएम ने कमलम नाम दिया है, तो वहाँ गुजरात के खेरूट भाई ने बहुत बड़ी मात्रा में लगाना शुरू कर दिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हर जगह लगाए दोस्तों एमपी में। तो मेरी सलाह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहिए, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। और इसके लिए कोई जो टेक्निकली जो जानकारी चाहिए, आपको कोई मदद चाहिए हमारी, तो मेरा पर्सनली नंबर आप ले लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, 7387405070 होने मेरा पर्सनल नंबर है। नीचे में जो नंबर है वो हमारे टीम के है, हमारा ऑफिस नागपुर में है। जो भी आपको टेक्निकली कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको मदद चाहिए ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है दोस्तों। इसी के साथ में मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई, आपका शुभचिंतक आपसे विदा करता हूँ। नमस्कार।